हाँ जी, श्रावण का महीना आ रहा है बहुत ही जल्दी, तो ये वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण महीने में आप फास्टिंग करते करते अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हो। इतना ही नहीं, वी विल टॉक अबाउट ऑल द हिंदू रिलीजियस फास्टिंग इन दिस वीडियो। बने रहिए, वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्रॉमिस करो मुझे कि आप अपने सारे दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो को शेयर करो, है ना। चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो में हम बात करेंगे सारे हिंदू रिलीजियस फास्ट के बारे में, फास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, कॉमन रूल्स क्या होते हैं रिलीजियस फास्टिंग में उसके बारे में बात करेंगे, फास्टिंग आपको किस हद तक हेल्प कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और आप कौन कौन सी गलतियां करते हो व्हेन इट कम्स टू डूइंग अ फास्ट एवरीथिंग। सबसे पहले देखो, पूरा साल है ना, देर आर सो मेनी डिफरेंट फेस्टिवल्स कमिंग, देर आर सो मेनी डिफरेंट रिलीजियस फास्ट कमिंग। ओके, जन्माष्टमी ले लो, महाशिवरात्रि ले लो, दो बार नवरात्रि आती है, फिर करवा चौथ आता है, फिर अभी श्रावण शुरू होगा, फिर गौरी व्रत होगा, एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट फास्ट कमिंग। बहुत सारे लोग फास्ट अलग अलग रीजन की वजह से करते हैं। मेरे हिसाब से फास्टिंग इसलिए शुरू हुआ होगा कि हमारे जो रिलीजियस गुरुज थे उन्होंने सोचा कि हम अगर फास्ट करेंगे तो हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और हमारी बॉडी अच्छे से हील कर पाए, हेल्थ रीजन। दूसरा, हम जो खाना कम खा रहे हैं हम दूसरे किसी जरूरतमंद को देंगे तो थोड़ा चैरिटी होगा, धर्म का काम होगा। तीसरा, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, हम थोड़ा भगवान को, ऊपर वाले को याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। दीज वेर द इनिशियल रीजंस व्हाई फास्टिंग का कॉन्सेप्ट पूरा शुरू हुआ होगा, ये मेरा थियरी है, आई कुड बी एंटायरली रॉन्ग। अभी बहुत सारे लोग फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे वेट लॉस करने के लिए भी करते हैं, तो वहां पे पहुंचे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है उसके बारे में बात करें। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो रिलीजियस फास्ट्स हैं उनके नॉर्मल खाने पीने से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं। तो मेजरली आपके कल्चर, आपके घर के हिसाब से रूल्स अलग हो सकते हैं, पर मेजरली आप मेन गेहूं या चावल या दालें या लेग्यूम्स नहीं खाते हो, दैट्स वन रूल। दूसरा, जो गेहूं नहीं खा रहे हो तो उसके अल्टरनेटिव आटे हम यूज करते हैं, जैसे कि सिंगाड़े का आटा, राजगिरे का आटा या कुट्टू, बकवीट फ्लावर हम यूज करते हैं। फिर नॉर्मल नमक की जगह पे हम काला नमक खाते हैं। फिर हम बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो नेचुरली अवेलेबल चीजें हैं वो खाते हैं, बादाम अखरोट टाइप्स चीजें खाते हैं, साबूदाना की चीजें खाते हैं, और स्पाइसेस कम खाते हैं, तली हुई चीजें हमें कम खानी चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है दिमाग में। फिर क्या बोलते हैं, बाहर का खाना हम बहुत कम करते हैं। बहुत सारे लोग सेलिबेसी भी, लाइक सेक्स नहीं करना, दारू नहीं पीना, सुट्टा नहीं पीना, ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जनरल रूल्स। अभी ये कौन से रूल्स आप फॉलो कर रहे हो ये आप डिसाइड करोगे, यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज अलग अलग कल्चर का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको क्या सजेस्ट करने वाला हूँ, मैं आपको फास्टिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। फास्टिंग इज अ स्टेट जिसमें आपकी बॉडी जाती है After a few hours of you not eating anything, जिसमें calories हैं। For example, अभी मैंने सुबह 9 बजे breakfast खाया, अभी उसके बाद अगर मैं अगले 5-6 घंटे तक कुछ भी नहीं खाऊंगा जिसमें calories हैं, तो मेरी body एक state में जाएगी जिसका नाम है fasting state। उसमें होता क्या है, कुछ hormonal changes होते हैं। सबसे बड़ा हार्मोन चेंजेस होता है, हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल जो है ना वो सबसे नीचे चला जाता है, उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। तो आप बोलोगे इंसुलिन के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, इंसुलिन का लेवल जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को वेट लॉस करना है, और वेट लॉस का मतलब है आपकी बॉडी का जो स्टोर्ड फैट है उसको एनर्जी में यूटिलाइज करना, धीरे धीरे आपका फैट कम होगा, धीरे धीरे आपका वेट कम होगा। पर आप पूरा दिन अगर खा खा करोगे और जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, जरूरत से कम भी खाओगे तो भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन जब भी रिलीज होता है तो आपकी बॉडी के जो फैट स्टोरेज है जिसको आपको यूज करना है एनर्जी के तौर पे, वो यूज नहीं कर पाएगी, बिकॉज इंसुलिन आपके फैट स्टोरेज को ताला लगा देता है। बट जब आप फास्टेड स्टेट में होते हो, आपने कुछ खाना नहीं खाया है, तो आपकी इंसुलिन लेवल्स बहुत कम होते हैं और आपके फैट स्टोरेजेस खुल जाते हैं। तो आप जो कुछ भी एक्टिविटी करोगे आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट यूटिलाइज कर रही है। आप एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदरूनी जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट यूज कर रही है। तो अगर आप ओवरऑल डाइट सही रख रहे हो और कैलोरी डेफिसिट में खाना खा रहे हो तो आपका वेट लॉस हो सकता है फास्टेड से। बट याद रखो, कैलोरी डेफिसिट एंड ओवरऑल खाना भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा दिक्कत, बहुत सारे लोग फास्टिंग को हेल्दी समझ के करना तो शुरू कर देते हैं बट वो फास्टिंग एक्चुअली करते नहीं है। हियर द रीजन व्हाई, बहुत सारे लोग एक मील खाने की बात करते हैं कि मैं 91 करती हूँ, भाई एक ही मील होता है मेरा दिन में, बट वो बोल रहे हैं कि मेरा एक मेजर मील होता है, या तो हम लंच करेंगे या तो डिनर करेंगे, बट वो बहुत बड़ा मील होता है, आपको पता ही नहीं आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। दूसरा, वो मील के आगे और पीछे आप फलाहार, जो चीजें अलाउड है फास्टिंग में, उसके नाम पे पूरा दिन चर 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 कर रहे होते हो। साबूदाना के वड़े, साबूदाना की खिचड़ी, राजगिरे के आटे का कुछ बना हुआ, फ्रूट्स, डेरी, नट्स, कुछ भी चल रहा होता है पूरा दिन।
अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का वो तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। फास्टिंग का मतलब क्या है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना, आपको खाने की फ्रीक्वेंसी कम करना। आप वो करोगे तब आपका इंसुलिन लेवल नीचे जाएगा, तब आपके हॉर्मोन्स आइडियल होंगे, जब आपको जो बेनिफिट्स चाहिए फास्टिंग के वो मिलेंगे। बट अगर आप वो कर ही नहीं रहे, पूरा दिन आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ खाना देते रहे हो, आप फास्टिंग स्टेट में नहीं हो। चैरिटी करना, भगवान को याद करना, वो करो या ना करो, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। बट फास्टिंग के जो फंडामेंटल्स है अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी लेवल पे बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको जेन्युइनली फास्टिंग के बेनिफिट्स लेने हैं तो हियर इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। वन, देखो 24 घंटे में 8 घंटे के आसपास हम नींद लेते हैं और बाकी के 16 घंटे हम जगे हैं। तो 16 घंटे में आप अपने खाने की फ्रीक्वेंसी जितनी हो सके उतना कम करो। अगर आप एक ही मील खाना चाह रहे हो तो एक ही मील खाओ। बाकी के टाइम में भूख लगे तो पानी पियो, ब्लैक कॉफी पियो, ग्रीन टी पियो। अगर कोई भी चीज कैलोरी वाला आप ऐड करोगे तो आपका फास्ट टूट रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज कि जितना हो सके फ्रीक्वेंसी कम करो, जितना हो सके। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आया था कि 16 घंटे आप भूखे रहोगे, 8 घंटे में आपको जो खाना है खाओगे। तो आप जब जगे हुए उसमें एक विंडो डिसाइड करो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ही खाना खाऊंगी, और उसमें अगर आप सही वाला खाना खा रहे हो तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। सिर्फ नाम का फास्ट करने से आपको नहीं होगा। तो अगर ये श्रावण महीना आ रहा है उसमें आप फास्ट करना चाह रहे हो और अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो हियर इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू। वन, आप मेरी टीम के साथ 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन बुक करो और वो आपको एक प्रॉपर गाइड देंगे कि आप अपनी हेल्थ गोल को कैसे अचीव करना शुरू कर सकते हो। एक महीने में पूरा गोल तो नहीं अचीव होगा, बट एक जर्नी शुरू हो सकती है और बहुत अच्छे से हो सकती है, बिकॉज आप अपनी बॉडी को अच्छा खासा डाइजेस्टिव रेस्ट दे रहे हो। टू, हमने एक डिस्क्रिप्शन में ना फास्टिंग गाइड छोड़ा हुआ है, वो गाइड देखो, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि व्हाट ऑल यू कैन डू टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ योर फास्टिंग। थ्री, हमने एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम तैयार किया है 4 घंटे का, जो वीडियोस देख के आपको सिखाएगा कि आप अपने लिए डाइट कैसे बना सकते हो। फास्टिंग नो फास्टिंग डजंट मैटर। फोर, यू कैन ऑलवेज वर्क विद अस एज वेल। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ फ्री कंसल्टेशन इफ यू वांट। इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में मुझसे पूछो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, एंड अपने आप को अंधेरे में मत रखो, डिनायल में मत जियो यार। फास्टिंग करना है तो अच्छे से करो, वरना मत करो, बिकॉज फास्टिंग के नाम पे अगर तुम ओवर ईट करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। आप अपना प्रॉमिस पूरा करो, ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज वो इतना मुश्किल नहीं है लगा क्या आपको अब तक।